This is the foundation. This is the credential with which the Prime Minister has always been on the side of reform, reform for better living in this country, ease of living in this country. Namaskar. COVID-19 में देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है, इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भर दी है। जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग, आज वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्प में जुड़ने जा रहा है और संकट में अवसर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो। और 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था। और यही नहीं, कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रहना जाएं तो उसकी भी छूट, 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया। फिर आरबीआई के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला, देश के करोड़ों लोगों को। तो मेरा मानना ये है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है तो उसके 5 स्तंभ की उन्होंने बात की है, 5 पिलर्स की बात की है, जिसके विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहला स्तंभ आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा हो जो आधुनिक हो, और यही नहीं हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्वगुरु बना सकें उस लायक हम बनाएं। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं। और डिमांड को कैसे बढ़ाना है और डिमांड सप्लाई चेन का समन्वय कैसे बना रहे और अर्थव्यवस्था आगे और कैसे बढ़े, इसके इस्तेमाल को करने की भी ज़रूरत है। बोल्ड रिफॉर्म्स का पूरा लेखा जोखा माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों का दिया है। मैं यही कहूँगा, बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, चाहे वो गुजरात में आए भूकंप के समय वापस कच्छ को खड़े करने की बात हो या आज के संकट के समय भारत में पीपीई और मास्क के निर्माण की बात हो। और कहीं ना कहीं यही सोच भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है और इस आत्मनिर्भर भारत जो मूवमेंट है इसमें हम आप सबको जोड़ने आए हैं। 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसके विस्तार में हम लोग जानकारी दें। तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अगली जानकारी देंगे कि आज किस सेक्टर को लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं। लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स 6 वर्ष भी होती रही, अब भी होगी, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता उस दिशा में लगातार काम चलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था, वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को
5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया और पूरे देश भर में पीडीएस के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया गया पिछले महीने भी और इस महीने भी। इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति 5-5 किलो था और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया 1 किलो। और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध विधवा दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए 5-5 सौ रुपये 1000 रुपये उनको टोटल डाला गया। इसके अलावा जो 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52,606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में 3 महीने 1-1 सिलेंडर देने की बात हुई थी, जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए। यहाँ तक कि जो पीएम किसान के लिए भी 2000 रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है। जहाँ तक व्यापारी वर्ग की बात है, आम आदमी की बात है, कंप्लायंस का बर्डन उसके ऊपर ना आए, घर से बाहर नहीं जाते थे तो उसके सामने जो संकट था कि वो कैसे समय सीमा रहते अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके, उसमें भी उसको छूट दी गई और उसको भी 3 महीने आगे बढ़ाया गया जिससे उसको लाभ मिला है। RBI ने भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की उससे लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आई है जिससे पूरे देश को लाभ मिला है। और इसकी जानकारी आप सबके सामने पहले भी रखी है, केवल आज एक बार फिर आपके ध्यान में लाने की ज़रूरत पड़ी तो उसको किया है। एक जो मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी हमें मिली और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी सब वार्तालाप बाकी लोगों से हुआ, मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सब का एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोज़गार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले विशेष तौर पर MSME सेक्टर जो है इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण ये हमने बगैर किसी गारंटी बगैर किसी कोलेट्रल के भारत के मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। तनाव में जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग हैं उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड MSMEs के लिए किया गया है ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके। और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली MSMEs को दिया जाएगा। जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके
आकार को बढ़ाने की या क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ, चौथी बार MP बन गया, कब से शुरू हो रही आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ये कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में, जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। पिछली 2 स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं इसमें, यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। इसी तरह से एक बार फिर कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां COVID-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल ज़माना भी आया है, वो भी होगा।
और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या PSUs में है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि EPF जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12-12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFCs या फिर हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए जो इनके पास लिक्विडिटी की कमी आती थी, धन का अभाव होता था, उसके लिए ये नई योजना लेकर आए हैं, जिसमें 30,000 करोड़ रुपये का विशेष तौर पर प्रावधान किया जाएगा। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये होगी, जिससे इनके धन की आपूर्ति भी होगी, और इसके माध्यम से जहाँ एक और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा, MSME सेक्टर को बल मिलेगा, उसका भी लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में और नीचे आम आदमी को पहुँचेगा, और इसका पूरी तरह से गारंटी भारत की सरकार देगी। जहाँ पहली 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी गारंटी स्कीम लेकर आए थे, NBFCs के लिए, HFCs और MFIs के लिए, वहीं पर अब आंशिक ऋण गारंटी योजना, ये लगभग 45,000 करोड़ रुपये की NBFCs का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें भारत सरकार गारंटर होगी, जो 20% का नुकसान इसके द्वारा सहन किया जाएगा, वहन किया जाएगा। और यही नहीं, इसमें डबल ए पेपर और इससे भी नीचे वाले जो हैं उसको भी इसमें पैसा मिल पाएगा, ऋण मिल पाएगा। और इसके अलावा जो अनरेटेड पेपर एलिजिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, ताकि ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ सके, ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, और कुल मिलाकर इससे भी नई लेंडिंग जो है, यानी कि कर्जा दिया जा सके सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को और आम नागरिकों को भी मिल सके, उसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। बिजली वितरण कंपनियों के आय में जो कमी, भारी कमी आई है, और लेनदारी जो इनके कई राज्यों से बढ़ी है, उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझ कर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। और ये 90,000 करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा, वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा। जहां एक और पहले 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको
तीन महीने से ज़्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में, ताकि उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। और जो ऑब्लिगेशंस थी उनकी, उसके कारण दिक्कत आ सकती थी, इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो, और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें। तो 6 महीने तक की इनको राहत दी गई। और यही नहीं, जो PPP कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी जो कंसेशन पीरियड है उसमें भी ये राहत 6 महीने तक की दी जा सकती है, पर मैक्सिमम जो है 6 महीने तक हो सकता है। केस टू केस मैटर करेगा। और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल, उसको रिलीज़ किया जा सकता है आंशिक रूप से। मान लीजिए मैं कोई ठेका लिया है, 70% किसी ने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से वो बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता है, ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके। एक बहुत बड़ी राहत इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देश भर में देने का एक प्रावधान किया है। 80% की होगा तो उसके अनुसार, 60% की होगा तो उसके अनुसार, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास पैसा ज़्यादा आए ताकि वो काम काज में उसको कहीं दिक्कत ना आए। COVID-19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा, और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और UTs को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो ये प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको जो मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही 6 महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए, उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी यही अनुरोध किया गया है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से जाएगा कि 3 महीने तक पीरियड उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए। और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिवाइज टाइमलाइंस के साथ दे दिए जाएं। तो इसी तरह से रेरा के अंतर्गत जो टाइमलाइंस है उसको आगे बढ़ाने की जो बात कही गई इसमें विस्तार में कही गई। जो TDS रेट्स हैं वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को, रेजिडेंट्स को, और TCS रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और इससे 50,000 करोड़ रुपये का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। यानी कि अगर मेरा 100 रुपया बनता था तो मैं 100 रुपये की बजाय अब 75 रुपये दूंगा, और उसमें 25% की कटौती की गई है। तो एक बहुत बड़ी राहत गैर वेतनभोगी इन सब के लिए, नॉन सैलरीड पेमेंट टू रेजिडेंट्स इनके लिए की गई है। पाँच लाख तक के रिफंड 14 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक वापस कर दिए गए थे। उसके अलावा जो उससे ऊपर वाले हैं उसकी भी प्रक्रिया शुरू, और बहुत सारे लोगों को वो भी वापस कर दिए गए हैं जो रिकॉर्ड समय के अंदर किए गए। अब इसके अलावा जो पेंडिंग रिफंड्स हैं, चाहे वो चैरिटेबल संस्थाओं के हों, ट्रस्ट के हों, या नॉन कॉरपोरेट बिजनेस या प्रोफेशनल्स के हों, यानी कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कोऑपरेटिव्स, इनको भी जल्द ही इनके रिफंड्स इशू कर दिए जाएंगे ताकि पैसे की कमी कहीं पर ना आए। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा, और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। जहां तक डेट ऑफ असेसमेंट की बात है, ये भी वर्जित हो रही थी 30 सितंबर 2020
20 को, इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक, और जो वर्जित हो रही थी 31 मार्च 2021 को, इसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। मैं एक बार फिर कह देता हूँ, जो डेट ऑफ असेसमेंट्स जो बार हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, उसको 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, और जो बार हो रही थी 31 मार्च 2021 को, उसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे, लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी, जिनको पेमेंट करनी है, कोई अतिरिक्त पेमेंट ना किए बिना, एडिशनल अमाउंट दिए बिना, इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि आप 31 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी।